फ्रेंड वेलकम टू माय वॉल ज्ञान का पिटारा। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सिमिलर ट्रायंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट सी डी इज इक्वल टू वाई यूनिट एंड पी क्यू इक्वल टू जेड यूनिट देन प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। आपको ये प्रूव करना है दोस्तों। तो आपको डायग्राम में दिया हुआ है इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पैरेलल टू सी डी। दैट मीन्स ए बी पी क्यू और सी डी आपस में पैरेलल लाइंस दे रखी है एंड आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट लेंथ दिया हुआ है एंड सी डी इक्वल टू दिया हुआ वाई यूनिट एंड पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है जेड यूनिट। और दोस्तों मैं इस बी डी की लेंथ को सपोज करता हूं एल और क्यू डी की लेंथ को मैंने सपोज किया ए। तो दोस्तों ये जो लेंथ अपने पास बी क्यू वो हो जाएगा एल माइनस ए। दोस्तों अपन प्रूव करते हैं। क्वेश्चन में गिवन अपने को ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। तो दोस्तों ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ही सी। अब आपको प्रूव क्या करना है टू प्रूव 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि जो अपने को ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल गिवन है। तो अपन ये लिख देते हैं व्हेन ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो दोस्तों व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो दोस्तों यहाँ पर जो एंगल वन और एंगल टू है एंगल वन एंड एंगल टू बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू देन एंगल वन एंड एंगल टू आर कौन से एंगल है दोस्तों है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अपन लिख देते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सिमिलरली दोस्तों आपको दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू सी डी। तो दोस्तों यहां पर भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं एंगल फोर और एंगल थ्री जो कि ब्लैक में लिखे हुए हैं एंगल फोर इक्वल टू एंगल थ्री दीज आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अपन लिख देते हैं एंड पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी सो दैट एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर ऑल्सो इक्वल ऑल्सो आर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अपने को प्रूव ये करना है। तो अपन दो ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी। तो अपन शुरुआत करते हैं ट्रायंगल लेने की। तो मैं दो ट्रायंगल लेता हूं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी एंगल वन इक्वल टू एंगल टू अपन प्रूव कर चुके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंड एंगल डी जो है जिसका नाम मैं दे देता हूं यहां पर एंगल डी जो मैंने नाम दिया है फाइव दीज आर द कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल्स एंगल ए बी डी एंड एंगल पी क्यू डी में एंगल फाइव जो है वो कॉमन एंगल है। तो दोस्तों अपन लिख देते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू जो अपन प्रूव कर चुके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल एंड सिमिलर एंड सेकेंड थिंग एंगल फाइव इज द कॉमन एंगल इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी में एंगल फाइव कॉमन एंगल है। दोस्तों तो मैं लिख देता हूं यहां पर एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल फाइव ये जो है अपने पास कॉमन एंगल है। दोस्तों इस प्रकार अपन बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू डी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब दोस्तों जैसे सिमिलर अपने ट्रायंगल हो चुके हैं तो अपन यहां पे इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोस इक्वल कर सकते हैं। दोस्तों आप देखिए यहां पर जो ट्रायंगल ए बी डी है और जो ट्रायंगल पी क्यू डी है इसमें ट्रायंगल ए बी का साइड यहां पर एक्स यूनिट दिया हुआ है और पी क्यू की यूनिट दे रही है मुझे जेड। सिमिलरली अपन ने बी डी को इसका बेस माना है तो अगर इसका बेस एल है तो ट्रायंगल पी क्यू डी का बेस क्या है क्यू डी जो कि मैंने ए माना है। तो दोस्तों मैं लिख देता हूं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अपन इक्वल कर देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू लिख देता हूं मैं इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन इसका बेस है दोस्तों क्यू डी जो मैं लिख रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो अपना ए बी है वो है एक्स यूनिट तो मैं आप ये लिख देता हूं ए बी इक्वल टू एक्स यूनिट अपॉन में जो अपना पी क्यू है वो है दोस्तों जेड यूनिट तो उसको मैं लिख देता हूं जेड इज इक्वल टू दोस्तों यहां पर अपना जो बी डी है वो है एल दोस्तों मैं इसको लिख देता हूं यहां पर एल और अपॉन में जो अपना क्यू डी है वो दोस्तों वो है ए इसको मैंने लिख दिया यहां पर ए। ये अपना इक्वेशन नंबर वन हो गया दोस्तों। अब
आप देखिए ट्रायंगल, अपन सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, सेकंड ट्रायंगल लेते हैं। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल पी क्यू बी। यहां पर भी देखिए दोस्तों, जो एंगल 4 है वो एंगल 3 के इक्वल है, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं लिख देता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सिमिलर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एक चीज यहां पर भी कॉमन है, इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, ये जो अपना एंगल 6 है दोस्तों, दोनों में एंगल 6 कॉमन है। तो मैं लिख देता हूं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 6 आर कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। देन ट्रायंगल अपना सिमिलर हो चुके दोस्तों, तो ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू बी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल अपने सिमिलर हो चुके हैं, ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू बी। जैसे ट्रायंगल सिमिलर होंगे दोस्तों, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सी डी अपॉन पी क्यू। तो दोस्तों यहां पर लिख रहे हैं सी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसका बेस है अपने पास बी डी अपॉन बी क्यू, बी डी अपॉन बी क्यू। तो दोस्तों अपने को दिया हुआ है सी डी जो है अपना, सी डी है वाई एंड पी क्यू है जेड। तो दोस्तों मैं लिख रहा हूं सी डी जो है अपना वाई और जो पी क्यू है अपना वो है जेड। तो पी क्यू को मैं जेड लेके लिख लेता हूं, पी क्यू अपना जेड, मैं लिख देता हूं मैं पी क्यू को जेड इज इक्वल टू, जो अपना बी डी है दोस्तों वो है एल। तो मैं उसको एल लिख देता हूं, बी डी इज एल। एंड जो अपना बी क्यू है दोस्तों वो है एल माइनस ए। तो दोस्तों उसको मैं एल माइनस ए लिख देता हूं यहां पर, एल माइनस ए। अब दोस्तों ये अपना हो गया बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग, सॉरी सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दोस्तों यहां पर भी मैं भूल की चुका था यहां पर लिखना, मैं आपको बता देता हूं, ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अब दोस्तों मैं इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करता हूं ताकि मुझे यहां से सेपरेट करने में आसानी हो। तो जैसे मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा दोस्तों, ये बन जाएगा जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन एल। दोस्तों अब इसको मैं सेपरेट आउट कर सकता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो जेड अपॉन वाई है वो एज इट इज रहेगा, इसी जेड अपॉन वाई अपना एज इट इज यहां पर है इज इक्वल टू, दोस्तों इसको मैंने सेपरेट किया तो दोस्तों ये हो जाएगा एल अपॉन एल माइनस ए अपॉन एल। दोस्तों ये जो एल है, ये वाला एल इस वाले एल से कैंसिल हो जाएगा और दोस्तों अपने पास बचेगा जेड अपॉन वाई, जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू वन माइनस ए बाय एल, ए बाय एल। और दोस्तों आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर अपने पास एल बाय ए की वैल्यू जो है वो एक्स बाय जेड है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं तो मेरे पास ए बाय एल आ जाएगा जो दोस्तों जेड बाय एक्स। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसका नाम अपन दे देते टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको दिया हुआ है एक्स बाय जेड इज इक्वल टू एल बाय ए। अगर मैं इसको भी रेसिप्रोकल करूं तो दोस्तों ये बन जाएगा जेड बाय एक्स इज इक्वल टू ए बाय एल। और यहां से इस इक्वेशन से मैं इसकी वैल्यू को पुट कर सकता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखिए दोस्तों ये जो अपना ए बाय एल है वो यहां जाएगा और यहां इसको रखेंगे तो ये बन जाएगा जेड बाय वाई इज इक्वल टू वन माइनस, दोस्तों मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं ए बाय एल की वैल्यू अपने पास आ गई है जेड बाय एक्स, तो मैं रख रहा हूं इसको जेड बाय एक्स। अब दोस्तों ये वैल्यू इधर जाएगी तो आर एच एस एल एच एस में, तो बन जाएगा जेड बाय वाई प्लस जेड बाय एक्स इज इक्वल टू, दोस्तों अपने पास हो गया वन। यहां ऊपर से मैं जेड कॉमन निकालता हूं दोस्तों, तो यह बन जाएगा अपने पास वन बाय वाई प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू वन बाय इज इक्वल टू वन।
ये जेड जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा वन अपॉन जेड। तो दोस्तों अपने पास ये बन जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई, और ये जेड जब जाएगा तो जाएगा वन अपॉन में, ये बन जाएगा वन बाय जेड। और हमें यही प्रूव करना था दोस्तों। प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।